प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में प्रशासन की सबसे बड़ी चूक सामने आई है, जहां प्रशासन लोगों को जागरूक करने के बड़े बड़े दावे कर रहा है। बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड थानों में सैनिटाइजर करने की बात कर रहे हैं, परंतु झुंगी झोपड़ियों में रह रहे लाखों कामगारों व उनके परिजनों को इसके बारे में न तो जागरूक किया गया है और न ही उन्हें इससे बचाव के लिए सैनिटाइजर मास्क व ग्लव्स मुहैया करवाए गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि झुंगी झोपड़ी में रह रहे कामगारों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिर लोग कौन सी बीमारी से चिंतित हैं। ये लोग आज भी वैसे ही गंदगी भरा जीवन जी रहे हैं। इन झुंगियों में जाकर अगर देखा जाए तो इनके बच्चे गंदगी से भरी नालियों में खेल रहे हैं व इनकी झुंगियों के साथ गंदगी भरी खुली नालियों में सीवरेज का गंदा पानी बह रहा है। यहाँ पे कोई प्रशासन के द्वारा या कोई आए थे दवाई वगैरह छिड़कने? नहीं आया सर। जो ये बीमारी फैल रही है इसके बारे में आप लोगों को पता है? पता मुझे सर है नहीं, मगर हम तो कंपनी में थे। पुलिस जरूर तंग कर रही है, पुलिस तंग कर रही है, शाम को कर रही है, अलर्ट हुआ है कि कल बंद रहेगा, संडे को बंद रहेगा। कितनी झुगियां हैं टोटल? झुगियां कम से कम होंगी 1000-2000। और कितना लोग रहते हैं यहाँ पे? अब तो अब सर आपको क्या बताऊँ, आपको कम से कम रहता तो यूपी बिहार ही है यहाँ पर झुगियों में, तो एसडीएम विक्रम महाजन ने जयसिंहपुर में मेडिकल स्टोर, सब्जी व किराना दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ सामान के भाव ज्यादा पाए गए। उन्होंने सभी सब्जी विक्रेताओं को रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए, जिसमें मुनाफा 5-10% रखने की गुजारिश की। उन्होंने बताया कि उपमंडल में 500 बेड का कंटाइन सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। एसडीएम ने उपमंडल की जनता से अपील करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है, ये जनता आम नागरिक आपका कर्फ्यू है जो जनता की भलाई के लिए है, इसको कामयाब बनाएं तथा सामाजिक दूरी बनाते हुए 22 मार्च की तरह अब भी सड़कों पर ना उतरें, ताकि अनजाने में भी कोरोना पीड़ित से संक्रमित होने से बचाव हो सके। मैं आपके माध्यम से जयसिंहपुर उपमंडल के प्रबुद्ध जनता के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जिला कांगड़ा और अब तो पूरा हिमाचल लॉकडाउन कर दिया गया है। यह जनता का कर्फ्यू है, आम नागरिक का कर्फ्यू है, आपका कर्फ्यू है। ये आपका कर्फ्यू आपके द्वारा आपके अपने भले के लिए और अपने परिवार वालों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपील करता हूं कि आप इस जनता कर्फ्यू को, इस अपने कर्फ्यू को आप एक सक्सेस बनाएं। सड़कों पर आप वैसे ही नहीं उतरेंगे जैसे कि आप पिछले कल 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू था उसके दौरान नहीं उतरे थे। ऐसे इसलिए जरूरी है मित्रों क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है। अगर आपके बीच में, अगर आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपके गाँव में कोई कोरोना का ग्रसित व्यक्ति घूम रहा है, कोरोना पीड़ित घूम रहा है और उसके सिम्टम्स अभी क्लियर नहीं आए हैं, तो जहां जहां वो गया होगा वहां वहां अगर आप जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, आप भी कोरोना ग्रसित हो सकते हैं। और आपके ग्रसित होने का मतलब है आपका पूरा परिवार इस संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। मेरा आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग वो तो बिल्कुल भी सड़कों पर ना उतरें। बाकी लोग भी ये कोशिश करें कि बिना किसी कार्य के सड़क पर ना आएं, गाड़ियां अपनी सड़क पर ना लाएं, कोशिश करें पैदल काम करें और गाड़ियों को घर पे रखें, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज ना गलत चला जाए कि आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं। कोशिश करें कि बिना गाड़ी के आप लोग अपने काम के लिए आएं। क्राउड बिल्कुल फॉर्म ना करें, 1 मीटर का सेफ डिस्टेंस, अपने हाथ धोते रहने, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। मुंह को भी अच्छे से ढक के रखें आप, ताकि वायरस आपको ना जकड़ सके, आप वायरस की चपेट में ना आए। आज मैंने पूरा जयसिंहपुर उपमंडल की जितनी किराने की दुकानें थी और सब्जी की दुकानें थी, मैंने उनका व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण किया है। मैंने पाया है कि कुछ एक चीज़ों के रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सभी सब्जी विक्रेताओं से मेरा निवेदन है कि सभी सब्जी विक्रेता अपनी दुकान के बाहर एक रेट लिस्ट लगाएंगे, यूनिफॉर्मली रेट लिस्ट लगाएंगे, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा
कि प्राइस में आपके आप ज्यादा प्रॉफिट ना लें, वही 5-10% का आपका प्रॉफिट हो, क्योंकि आज लोग मुसीबत में हैं, आपके अपने लोग मुसीबत में हैं, और कल जब सब कुछ ठीक होगा तो यही लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो समाज के साथ, आप नेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।